अगर आप भी अपनी आर्म्स का साइज बढ़ाना चाहते हैं और थक गए हैं, आपकी आर्म्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है और 16 इंच का डोला करना चाहते हैं, तो मैं उसके आपके लिए आपको बताने वाला हूँ 3 स्टेप्स। एक बार मेरा भी जब आर्म्स का साइज था 15.5 इंच के आकर लगभग रुक गया था, उसके बाद ग्रोथ ही नहीं हुआ था। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा था। उसके बाद मैंने अपने वर्कआउट में बहुत सारे चेंजेस किए और फिर कहीं जाकर मेरा आर्म्स का साइज बढ़ना शुरू हुआ। तो मैं आपको वो स्टेप्स बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको अपना आर्म्स का साइज बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हम अपना ज्यादातर फोकस किस पे रखते हैं, अपने बाइसेप्स पर रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो हमारा आर्म्स का जो ज्यादा मसल्स होती है वे ट्राइसेप्स में होती है, क्योंकि ट्राइसेप्स में 3 मसल्स होती हैं और बाइसेप्स में 2। तो आपको अपने ट्राइसेप्स की भी उतनी एक्सरसाइज करनी है जितनी की बाइसेप्स की करनी है। ट्राइसेप्स को कम तवज्जो नहीं देनी है। अब जो उसमें दूसरा स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है, सभी जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या करना है, हफ्ते में जो आप वर्कआउट करते हैं उसमें आपको 2 दिन रखना है बाइसेप्स के लिए, सॉरी उसके लिए आर्म्स के लिए, लेकिन इन 2 दिनों के बीच में लगभग 3-4 दिन का गैप हो। तो आप हफ्ते में 2 बार आर्म्स की एक्सरसाइज करें, उससे भी आपको बहुत वो मिलेगी हेल्प। जब जो एथलीट होते हैं जिनका जो बॉडी पार्ट कमजोर होता है तो उसके लिए ऐसा ही करते हैं, हफ्ते में 2 बार वर्कआउट करते हैं उस चीज का। तो आप क्या करें, जो आपके आर्म्स की एक्सरसाइज है उसे हफ्ते में 2 बार करना शुरू करें। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सरसाइज जो आपको अपने वर्कआउट में जरूर इंक्लूड करनी है। जैसे बाइसेप्स के लिए, एक्सरसाइज होती है स्पाइडर कर्ल्स, आप पिक में देख सकते हैं इस तरह की, इससे की जाती है, इंटरनेट पर देख लेना बहुत सारी वीडियोज इसके बारे में होंगी कैसे करते हैं स्पाइडर कर्ल। स्पाइडर कर्ल के बारे में खुद जे कटलर ने यह बताया था कि रोनी कोलमैन को हराने के लिए इस एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा योगदान था उनके वर्कआउट में, और इसी कारण से वो लगभग 4 बार मिस्टर ओलंपिया बन पाए। जब आप इस एक्सरसाइज को आप करोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, आपका मसल्स माइंड कनेक्शन बिल्कुल आसमान पर होगा और आप देख रहे हैं इसमें कितनी ज्यादा वो ब्रेक डाउन होती है आपकी मसल्स। एक दूसरी एक्सरसाइज है 21 कर्ल्स। ये एक्सरसाइज बहुत पुरानी है, ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है, ऐसे आर्नोल्ड भी किया करते थे, रोनी कोलमैन की भी ये फेवरेट एक्सरसाइज है, मतलब देख सकते हैं आप कितने महान एथलीट इसे कर रहे थे। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी जबरदस्त एक्सरसाइज है, ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है और हाई वॉल्यूम एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए पहले 7 रैप ऐसे नीचे लगाए जाते हैं, फिर 7 रैप से हाफ मोशन किया जाता है और फिर 7 रैप से फुल मोशन किया जाता है, रेजो मोशन फुल होता है। तो किस तरह होगा, इसमें 21 रैप्स होते हैं, ऐसे बोलते हैं 21 कर्ल्स। इसके बारे में अगर प्रॉपर देखना है तो वीडियो देख लेना, रोनी कोलमैन की भी पड़ी हुई है। अब ट्राइसेप्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ट्राइसेप्स की आप क्या करते हो, ज्यादातर रोप के साथ आइसोलेशन एक्सरसाइज ज्यादा करते हो, कंपाउंड एक्सरसाइज कम करते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ट्राइसेप्स की कंपाउंड एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे कि बेंच पर लेट के करते हैं वो क्लोज ग्रिप के साथ, वो एक्सरसाइज करनी है। आपको जो बॉडी वेट के साथ डिप्स लगाते हैं वो कंपाउंड मूवमेंट भी आपको अपने वर्कआउट में शामिल करनी है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी जो बातें हैं आपको उनका भी ध्यान रखना है, जैसे अपनी जो वर्कआउट है उसमें एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जैसे आप सुपर सेट लगा सकते हो आप मसल्स को सोक करने के लिए, किसी दिन पहले बाइसेप्स लगा लिया उसके बाद ट्राइसेप्स, किसी दिन ट्राइसेप्स किसी और एक्सरसाइज के साथ लगा लिया, तो मसल्स को सोक भी करते रहना है। और जो नेगेटिव रैप्स हैं उन पे भी उतना ही ध्यान देना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग पर भी काम करना है। तो ठीक है, अपनी फॉर्म भी प्रॉपर रखनी है, तो छोटी छोटी गलतियां हैं इन पर भी ध्यान देना है। अब लास्ट में आता है तीसरा स्टेप, वो क्या होता है, वो गलतियां समझ लीजिए, एक तरीके से हम भी करते हैं। अगर आपका प्रॉपर नहीं हो रही है, आपकी आर्म्स का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें हो सकता है कि आपका प्रोटीन का भी काफी योगदान हो, आप जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है जितनी प्रोटीन की आप उससे कम ले रहे हो, बिगनर्स के केस में ऐसा हो जाता है कई बार, तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक भी बढ़ाना है। तो अगर आप इन 3 पॉइंट पर काम करते हैं, 3 स्टेप्स पर काम करते हैं, हफ्ते में 2 बार लगाते हैं आर्म्स की एक्सरसाइज, प्रॉपर जो मैंने आपको बताई टेक्निक के साथ ये एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्पाइडर कर्ल कर ली, इसमें 21 कर्ल कर ली, इस टाइप की एक्सरसाइज आप प्रॉपर टेक्निक के साथ और सुपर सेट लगाए, कभी नेगेटिव रैप्स पर ध्यान दिया, मसल्स को सोक भी कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर रहे हैं, इन तीनों चीजों के साथ प्रॉपर प्रोटीन इंटेक के साथ आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़े दिन, तो देखना आपका जो मसल्स का साइज है, जो आर्म्स का साइज है, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपका जो डोला है वो जल्दी ही उसमें ग्रोथ होगी, जितने भी इंचज का है उससे एक्स्ट्रा वो ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।